आजकल सैम बहादुर के ट्रेलर को मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस की वजह से विकी कौशल बहुत खबरों में है। फिल्म की बातचीत जगह जगह शुरू हो गई है और कास्ट भी फिल्म के प्रमोशंस में फिलहाल बिजी है। लेकिन आपको बता दें कि सैम बहादुर के साथ विकी कौशल शाहरुख खान की डंकी में भी नजर आएंगे। अब रिसेंटली एक इंटरव्यू में विकी कौशल ने अपनी फिल्म डंकी पर भी कुछ बात की। डंकी सैम बहादुर के 20 दिन बाद रिलीज होगी और इस पर बात करते हुए विकी कौशल ने बताया कि कैसे डंकी में काम करना उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना है। विकी ने यहाँ शाहरुख खान के साथ काम करने पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा कि ये किसी सपने के पूरा होने जैसा था। उनको मिलना ही किसी सपने के सच होने जैसा है। उनके साथ काम करना तो सोचो कितने बड़े सपने के पूरा होने जैसा होगा, वो भी जब राजू सर आपको डायरेक्ट कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकता उस बारे में क्योंकि उसका अपना एक अलग प्रोसेस है, मगर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि उनके साथ काम करके मुझे पता चला कि वो बादशाह क्यों है। वो कुछ अलग है, उनके जैसा कोई नहीं। आपको बता दें कि डंकी चार लोगों की कहानी है जो किसी भी तरह से बस लंदन जाना चाहते हैं। ये लोग शाहरुख खान के कैरेक्टर के काफी जिगरी हैं, इसलिए वो किसी भी तरह उन्हें लंदन ले जाना चाहते हैं। इस फिल्म में विकी कौशल ने सुखी का कैरेक्टर प्ले किया है। जब सारे लीगल रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये डंकी फ्लाइट वाला ऑप्शन पकड़ते हैं। डंकी कैनेडा, अमेरिका और इंग्लैंड के बॉर्डर्स को क्रॉस करने का तरीका है जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर ने किया है तो सभी की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। इस फिल्म से पहले राजकुमार हिरानी ने संजू, पीके, थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, जो सभी हिट रही हैं। और डंकी शाहरुख खान के साथ राजकुमार हिरानी की पहली कोलैबोरेशन है जिसके लिए सभी फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। खैर, अब ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज होगी थिएटर्स में, लेकिन यहाँ भी ये फिल्म प्रभास की फिल्म सलार के साथ क्लैश करेगी। तो देखते हैं कि दोनों में से कौन सी फिल्म मारती है बॉक्स ऑफिस पर बाजी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप सैम बहादुर, डंकी और सलार में से किस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं और क्यों। और तब तक के लिए इसी तरह देखते रहिए ENT Live।